नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या RIS एकेडमी में। दोस्तों, फर्स्ट ग्रेड में स्कूल मैनेजमेंट के 2000 प्रश्नों की सीरीज स्टार्ट की गई थी, जिसमें अपने 36 वीडियो हैं, यानी कि 36 भाग है वो कंप्लीट हो चुके हैं। और 36 भाग में दोस्तों अपने 1080 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों, आज इसमें अपने 37 नंबर का भाग है, जिसमें 180 से आगे क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाएं, वहां आपको एक फोल्डर मिलेगा फर्स्ट ग्रेड स्कूल मैनेजमेंट 1000 क्वेश्चन के नाम से एक फोल्डर मिलेगा, तो आप वहां जाके सारे के सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलो स्टार्ट करते हैं 1081 नंबर प्रश्न। इसमें देखो, NPEGEL योजना के अंतर्गत 186 खंडों के कितने विद्यालयों को मॉडल क्लस्टर स्कूल यानी कि MCS के रूप में संचालित किया जा रहा है। तो दोस्तों, कितने मॉडल क्लस्टर स्कूल के रूप में संचालित किया जा रहा है? चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? जल्दी से दोस्तों देख लो, चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 4,770 विद्यालय। 4,470 विद्यालय हैं दोस्तों, ठीक है? कितने खंडों में? तो 186 खंडों में, ठीक है? तो इसका ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। देखो, NPEGEL के तहत कक्षा 3 से 8 तक की कमजोर बालिकाओं हेतु उपचारात्मक शिक्षक उपलब्ध करवाया जा रहा है। इसमें बालिका को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, ठीक है? ये भी आपको इसके साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1082 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है, जिससे सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोस्तों स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2012 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों शाला स्तर, ठीक है? क्या हो जाएगा? शाला स्तर। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1083 नंबर प्रश्न। राजस्थान सरकार ने सार्वजनिक निजी सहभागिता PPP के आधार पर सानोदय योजना का शुभारंभ कब किया? तो दोस्तों, सानोदय योजना का जो शुभारंभ है वो कब किया गया था? तो चार ऑप्शन आपके सामने हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन है 2010, 2011, 2012, ठीक है, और 2014, ठीक है? ये ऑप्शन है दोस्तों आपके सामने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है दोस्तों इसमें 2010 में, ठीक है? सानुदय योजना का जो शुभारंभ है वो 2010 में हुआ था। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1084 नंबर प्रश्न। ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत निजी प्रतिभागियों की सहायता से राज्य के किस संभाग में सानुदय विद्यालय खोले जाएंगे? दोबारा देखो प्रश्न। ज्ञानोदय योजना के अंतर्गत निजी प्रतिभागियों की सहायता से राज्य के किस संभाग में सानुदय विद्यालय खोले जाएंगे? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? वो है इसमें अजमेर और जयपुर, ठीक है? सॉरी, अजमेर और उदयपुर, ठीक है? अजमेर और उदयपुर इसका राइट आंसर, यानी कि ए और स दोनों, ठीक है? अजमेर और उदयपुर दोनों में दोस्तों सानुदय विद्यालय खोले जाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन, ए और स दोनों सही है। नेक्स्ट है 1085 नंबर प्रश्न है। ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना किस आधार पर की जाएगी? ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना किस आधार पर की जाएगी? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है DBFMOT, ठीक है? इसकी फुल फॉर्म है, आपको कमेंट में बतानी है। DBFMOT के आधार पर दोस्तों ज्ञानोदय विद्यालय की स्थापना की जाएगी। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है 1086 नंबर प्रश्न है। राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं? दोबारा देखो प्रश्न।
राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त हैं, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में स्थापित हुए हैं, वे हैं। तो दोस्तों वे कौन से हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल, स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल। तो द नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1087 नंबर प्रश्न, लोक मित्र परियोजना को कब सफलतापूर्वक लागू किया गया। तो दोस्तों लोक मित्र परियोजना को कब सफलतापूर्वक लागू किया गया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है मार्च 2002 में दोस्तों सफलतापूर्वक लागू किया गया था लोक मित्र परियोजना को, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह शहरी नागरिक केंद्रित परियोजना है, ठीक है, इसे जयपुर शहर में सफलतापूर्वक लागू किया गया, तो इसमें ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1088 नंबर प्रश्न है, जनमित्र सेवा प्रणाली को कब लागू किया गया, जनमित्र सेवा प्रणाली को कब लागू किया गया। तो दोस्तों लागू कब किया गया, तो वर्ष 2004 में इसको लागू किया गया। सह नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों यह एक ग्रामीण नागरिक केंद्रित इलेक्ट्रॉनिक समवर्तित सेवा प्रणाली है, इसे सफलतापूर्वक झालावाड़ और जयपुर ग्रामीण में लागू किया गया था, ठीक है, जनमित्र सेवा प्रणाली को। तो इसमें सह नंबर का ऑप्शन सही उत्तर। 1089 नंबर प्रश्न है, लोक मित्र एवं जनमित्र योजना को सम्मिलित कर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर कब क्रियान्वित किया गया। तो दोस्तों लोक मित्र एवं जनमित्र योजना को सम्मिलित कर सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल के आधार पर कब क्रियान्वित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है इसमें वर्ष 2005 में, ठीक है। बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों लोक मित्र व जनमित्र योजनाएं वर्ष 2002 में सफलतापूर्वक लागू की गई थी, ठीक है, ये भी आपको इसके साथ में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1090 नंबर प्रश्न है, ई मित्र सेवा की राजस्थान में शुरुआत कब हुई। तो ई मित्र सेवा की दोस्तों राजस्थान में शुरुआत है वो कब हुई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2002 में, मार्च 2002 में, ठीक है, ई मित्र सेवा की राजस्थान में शुरुआत हुई थी। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और राजस्थान में भी कहां पर है, तो दोस्तों लोक मित्र के नाम से जयपुर में हुई थी सर्वप्रथम इसकी शुरुआत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1091 नंबर प्रश्न है, ई मित्र सेवा को पूरे राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया। ई मित्र सेवा को पूरे राजस्थान में किस वर्ष लागू किया गया, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है 2006 में दोस्तों ई मित्र सेवा को पूरे राजस्थान में लागू किया गया। सह नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी हमारे चैनल आराध्या आर्य अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें अभी के अभी। 1092 नंबर प्रश्न है, ई मित्र सेवा राजस्थान के कितने जिलों में लागू है। तो दोस्तों ई मित्र सेवा राजस्थान में कितने जिलों में लागू है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 33 के 33 जिलों में दोस्तों ये लागू है, ठीक है। द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा 33 जिलों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1093 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में एकल खिड़की सुगम की शुरुआत कब की गई। राजस्थान में एकल खिड़की सुगम की शुरुआत कब की गई, तो चार ऑप्शन दोस्तों आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 1 अप्रैल 2011 से दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी राजस्थान में एकल खिड़की सुगम की, ठीक है। राजस्थान सरकार द्वारा जारी प्रमाण पत्रों को डिजिटल हस्ताक्षर सहित जारी करने के लिए एकल खिड़की सुगम की शुरुआत उपखंड स्तर पर की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1094 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार ने नागरिक फ्रेंडली सेवाओं को प्रदान करने के लिए कौन सी सेवाएं प्रारंभ की है। राजस्थान सरकार ने नागरिक फ्रेंडली सेवाओं को प्रदान करने के लिए कौन सी सेवाएं प्रारंभ की है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सी, तो दोस्तों एक तो जनमित्र और एक लोकमित्र, ठीक है, ये दोनों सेवाएं प्रारंभ की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सह नंबर का ऑप्शन ए और ब दोनों, ठीक है। देखो राजस्थान सरकार द्वारा नागरिक फ्रेंडली सेवाओं को प्रदान करने के लिए गाँवों में जनमित्र के नाम से और शहरों में लोकमित्र के नाम से ये सेवाएं प्रारंभ की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
1095 नंबर प्रश्न, ई मित्र परियोजना का लक्ष्य है। तो दोस्तों ई मित्र परियोजना का जो लक्ष्य है वो क्या है, वो अपने को इसमें बताना है। तो देखो ई मित्र परियोजना का लक्ष्य नागरिकों को बिना किसी परेशानी के एक स्थान पर सभी सेवाएं उपलब्ध कराना, बिल्कुल सही है। सार्वजनिक G2C निजी B2C की सेवाओं के साथ लोगों के समक्ष विकल्प प्रस्तुत करना, ये भी दोस्तों बिल्कुल सही है। एक समान सूचना के आदान प्रदान का प्रारूप, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त है सभी, यानी कि इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी है, ये ई मित्र परियोजना के लक्ष्य हैं, ठीक है। देखो ई मित्र परियोजना के अन्य लक्ष्य हैं और भी मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो एकीकृत ई सेवाएँ प्लेटफॉर्म नागरिक के सेवा प्राप्त करने के लिए विभिन्न कार्यालयों में जाकर अनुरोध करने की संख्या में कमी लाना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1096 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक क्रम स्रोत की दृष्टि से सही है। तो कौन सा एक क्रम है वो स्रोत की दृष्टि से सही है। दोस्तों स्कूल व्याख्याता परीक्षा 2012 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों सबसे पहले ICT, ठीक है, सबसे पहले ICT, फिर ई गवर्नमेंट, फिर ई गवर्नेंस और फिर दोस्तों सबके लास्ट में वो है ई मित्र, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2341, 2341 यानी कि बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1097 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही है। ई मित्र के संबंध में अपने को बताना है कि इनमें से कौन सा एक है सही है, ठीक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ई मित्र। तो इसका राइट आंसर है ये दोस्तों ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना है ई मित्र, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना है ई मित्र और शहरी क्षेत्र में लोक मित्र है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बे नंबर का ऑप्शन, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों ये प्रश्न 2012 के अंदर पूछा गया था फर्स्ट ग्रेड की परीक्षा में, ठीक है। 1098 नंबर प्रश्न है, ई मित्र परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधा है। ई मित्र परियोजना के तहत प्रदान की जाने वाली सुविधा है तो वो सुविधा कौन सी है। दोस्तों चार ऑप्शन आपके सामने हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखो ई मित्र के तहत ई मित्र पे अपन क्या क्या कर सकते हैं, तो देखो बिजली टेलीफोन व पानी के बिलों का भुगतान कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। सरकारी नौकरियों के आवेदन शुल्क फॉर्म जमा करना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। मूल निवास व जाति प्रमाण पत्र जारी करना, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये सभी की सभी हैं, ये दोस्तों ई मित्र की सुविधा है, ठीक है। तो इसमें द नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1099 नंबर प्रश्न है, ई मित्र किस क्षेत्र में स्थापित ई गवर्नेंस योजना है। ई मित्र किस क्षेत्र में स्थापित ई गवर्नेंस योजना है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है वो है दोस्तों इसमें कौन सा, वो है शहरी। देखो ई मित्र किस क्षेत्र में स्थापित ई गवर्नेंस योजना है, तो शहरी क्षेत्र में ई गवर्नेंस योजना है दोस्तों, ठीक है। तो बे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1100 नंबर प्रश्न है, ई मित्र के संबंध में सत्य कथन है। तो दोस्तों ई मित्र के संबंध में अपने को सत्य कथन बताना है। तो देखो ई मित्र शहरी क्षेत्र केंद्रित ई गवर्नेंस परियोजना है, यह 2002 में प्रारंभ की गई थी, वर्ष 2006 में इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया गया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये तीनों ही कथन है, ये इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1101 नंबर प्रश्न है, लोक मित्र एवं जन मित्र परियोजना को सम्मिलित कर सार्वजनिक निजी भागीदारी PPP मॉडल के आधार पर क्रियान्वित किया गया। तो दोस्तों ये कब क्रियान्वित किया गया, चार ऑप्शन आपके सामने हैं, 2004, 2005, 2006, 2007। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 2005 में, बे नंबर का जो ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1102 नंबर प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय ई प्रशासन का श्री गणेश कब हुआ। तो दोस्तों भारत में राष्ट्रीय ई प्रशासन का श्री गणेश कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है 15 अगस्त 2002 को। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय ई प्रशासन का श्री गणेश हुआ था। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय ई प्रशासन का श्री गणेश तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी की उद्घोषणा से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1103 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना कब चलाई गई। तो दोस्तों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है ये कब चलाई गई,
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों राष्ट्रीय ई गवर्नेंस योजना है ये 2003 से 2007 तक चलाई गई थी, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों सरकारी कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग को ई गवर्नेंस कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1104 नंबर प्रश्न है, नागरिक सेवा केंद्र CSC परियोजना राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? तो दोस्तों नागरिक सेवा केंद्र परियोजना राजस्थान में कब प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें कब प्रारंभ हुई, तो दोस्तों वर्ष 2008 में प्रारंभ हुई थी। बे नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 1105 नंबर प्रश्न है, इसमें देखो NEGP का पूरा नाम क्या है? तो दोस्तों NEGP का पूरा नाम क्या है, यानी कि राष्ट्रीय ई प्रशासन कार्यक्रम, ठीक है, इसका इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है ये अपने को बताना है, ठीक है। तो इसका हो जाएगा नेशनल ई गवर्नेंस प्रोग्राम, ठीक है। तो ये है दोस्तों NEGP का पूरा नाम, ठीक है। इसका उद्देश्य है समस्त सरकारी निजी एवं सामाजिक सेवाओं को प्रभावशाली एवं पारदर्शी प्रणाली के न्यूनतम दरों पर नागरिक के समीप पहुंचाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए नंबर का ऑप्शन है वो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1106 नंबर प्रश्न है, ई प्रशासन के लाभ हैं। तो दोस्तों ई प्रशासन के जो लाभ हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखो ई प्रशासन सरकार व जनता के मध्य सहज संवाद का सेतु है, बिल्कुल सही है। इसमें जनता के समय व धन की बचत होती है, ये भी इसमें बिल्कुल सही है। इसमें सरकारी कार्यों में पारदर्शिता बनी रहती है, तो दोस्तों ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर द नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1107 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से ई गवर्नेंस का दोष है। तो दोस्तों अपने को इसमें ई गवर्नेंस का दोष बताना है, तो ई गवर्नेंस का दोष इसमें कौन सा है, ठीक है। तो देखो ई गवर्नेंस द्वारा आमजन को सूचनाएं उसकी ही भाषा में प्राप्त नहीं होती है, तो दोस्तों ये भी इसमें इसका दोष है, ठीक है। दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में पूरे समय पर्याप्त ऊर्जा के अभाव के चलते इसका पूरा लाभ न ले जाना, तो दोस्तों ये भी इसका सही है। लाल फीताशाही में कमी के बावजूद इसका पूरा फायदा नहीं उठा पाता है, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है, ठीक है। ये सभी चौथा देखो इसमें सरकारी कमी प्रशिक्षण को गंभीरता से नहीं लेते हैं, ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल सही है। ये सभी हैं दोस्तों ये ई गवर्नेंस के दोष हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कूट भाषा में? द नंबर का ऑप्शन 1, 2, 3, 4 हो जाएगा, ठीक है। 1108 नंबर प्रश्न है, राजस्थान सरकार द्वारा ई प्रशासन का एजेंडा प्रस्तुत कर संकल्प कब व्यक्त किया गया? तो दोस्तों सरकार द्वारा ई प्रशासन का एजेंडा प्रस्तुत कर संकल्प कब व्यक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा? तो वो है इसमें मार्च 2004 में दोस्तों ई प्रशासन प्रक्रिया में सरकार के स्तर पर सूचनाओं या कार्यों का त्वरित प्रत्युत्तर दिया जाता है, ठीक है। ए नंबर का ऑप्शन इसमें सही उत्तर हो जाएगा। 1109 नंबर प्रश्न है, ई प्रशासन ने डिजिटल अंडारण नामक सुविधा का शुभारंभ कब किया? ई प्रशासन ने डिजिटल अंडारण नामक सुविधा का शुभारंभ कब किया? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों मई 2005 में। कब किया गया? मई 2005 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ब नंबर का ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज का अंतिम प्रश्न है, निम्न युग्मों जोड़ों में से कौन सा एक मेल नहीं खाता? तो कौन सा एक मेल नहीं खाता दोस्तों? चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। देखो ई गवर्नेंस भागीदारी, ई गवर्नेंस प्रक्रिया, ई गवर्नेंस परिणाम और चौथा है इसमें ई गवर्नेंट निर्णय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द नंबर का ऑप्शन है वो इसमें सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न है 2012 के अंदर पूछा गया था स्कूल व्याख्याता परीक्षा में। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपना जो 37 नंबर का भाग है वो कंप्लीट हो चुका है, कल इसका 38 नंबर का भाग आएगा। तो दोस्तों अगर आपने अभी भी आराध्य आर एस अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।